ओवर टू रक्षा। हाय गाइस, वेलकम टू फलकनास चैनल। फिर एक तो जैसे हम ओपन करते हैं हमारी एम गायब हो जाती है। एक आर यहाँ है, एफ यहाँ है, एफ और फलक एम आएगी हमारी एम। एक्चुअली उसका रोज़ा है तो वो है यहीं कहीं आसपास। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों का वेलकम किया था हमारे एमिटी के डे वन ब्लॉग में, वैसे ही फिर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही इवेंट है। एंड मैं आप लोगों से, जिस दिन मेरा बीएड का आखिरी दिन होगा, मैं उस दिन आप लोगों से अकेले में कुछ बहुत ही ऐसी गुफ्तगु करूंगी। क्या करना पड़ता है यार फैशन के लिए, है ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों है मेरे अंदर कि मैं उठते ही व्लॉग बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। मुंह भी नहीं धोया मैंने अभी अपना। हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं अप्रैल में, सेकेंड सेमेस्टर के, तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ जितने अच्छे अच्छे मैं व्लॉग्स बना सकूँ आप लोगों के लिए उतने मैं बना देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे फिर मैं भी नहीं बना पाऊँगी और बहुत बोरिंग होंगे वो, उसमें क्या ही देखोगे आप। तो आज हमारा एक इवेंट है हमारे डिपार्टमेंट का, गेट टुगेदर उसका नाम है, एंड इट्स गोइंग टू बी फन। जिन लोगों को ये लगता है, जो लोग बोलते हैं भाई आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, गाइज मैं सिर्फ उसी दिन का व्लॉग बनाती हूँ जिस दिन कुछ इवेंट वगैरह होता है, वरना आपको क्या अच्छा लगेगा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ इस क्लास में पढ़ाई हो रही है, उस क्लास में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई होती है, इट्स वेरी हेक्टिक। मैंने बहुत बार बताया है कि मुझे लगा था बीएड तो इट्स, यू नो, इट्स नॉट हेक्टिक, इट्स लाइक हो जाएगा, नॉट ऐसे, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज, देर आर सो मेनी असाइनमेंट्स और इट्स नॉट टफ आई वुड से, बट इट्स वेरी टैक्सिंग। बहुत मतलब इट्स अ लॉट। सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हूँ मैं। ओके, सो तैयार होती हूँ मैं एंड उसके बाद आई विल सी यू। हेलो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस एंगल, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ एंड आई एम वेयरिंग सच अ क्यूट आउटफिट एंड आई गॉट इट फ्रॉम, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक ये मैंने थाईलैंड से लिया था, आई एम नॉट श्योर। पूरा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी आउटफिट, और अभी आई एम स्ट्रगलिंग विद द लेंस, सोच रही थी आज वीडियो बनाते हैं लेंस लगाते हुए और अभी एक घंटे से खुल नहीं रहा है। ओह, ये देखना, इट्स ब्लीडिंग, ओह माई गुडनेस। क्या क्या करना पड़ता है यार फैशन के लिए, है ना। और मेकअप लगाने के बाद लेंस लगा रही हूँ मैं, मतलब मेरे सारे काम उल्टे होते हैं। ओह माय गॉडनेस, फक ही नहीं लगेगा एंड आई थिंक ये बर्बाद हो जाएगा। एनीवे, हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद इट गाइस, एक आग का लग गया है, लुक एट दिस, इट इज सो प्रिटी। नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस इन द नेम ऑफ लॉर्ड। It's done. Guys, तो ये जो हमारा इवेंट है, दिस इज, मतलब हमारी फ्रेशर्स और फेयरवेल नहीं हुई थी, ये रक्षा। गाइस, आज हमारा एक सेमेस्टर, हमारा डेढ़ सेमेस्टर निकल चुका है और अब हमारी फ्रेशर्स हो रही है, मतलब फ्रेशर्स और फेयरवेल। डिपार्टमेंट वालों ने बोला कुछ भी मान लो, जो जा रहे हैं उनके लिए फेयरवेल, जो आए हैं उनके लिए फ्रेशर्स। एक पिन नहीं लग रही है। यार इधर मत लगाओ, नहीं वहाँ पे खराब लग गया, ये देखो। How are you feeling? Good, first ramp walk ever. Yes. Not ever, but huh, still. Proud of you. Amity में पहला. Yes. बने हुए कुछ
सही दोस्त पुराने हो गए, कुछ बिछड़ गए तो कुछ आखिरी तक साथ रहे, ये चीज़ बहुत ट्रॉमा टाइप होती है। कुछ दोस्त होते हैं भाई दिल के पास होते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड, किसी भी वक्त तुम कॉल करोगे वो तुरंत कॉल उठाते हैं, दे विल ऑलवेज हेल्प यू, बट कुछ दोस्त होते हैं जो नहीं बने। गाइस महवेश ने रोज़ा रखा है, उसकी शक्ल में दिख रहा है, मारेगी मेरे को जब ये व्लॉग देखेगी तो। एनी हो, अभी रैंप वॉक होने जा रही है, हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने नहीं किया। लेट्स वहाँ पे हो रहा, ओह माय गॉड, चश्मे हो गया है, और अब हमने लंच करके, लंच का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वी ऑल वर सो हंग्री, और अब अपन जा रहे हैं धूप में, चलो अब अपन जा रहे हैं धूप में फोटो खिंचाने। हाय गाइस, हाय गाइस, ए इधर आओ जल्दी, एम आर एफ इज बैक, हमारी एम बार बार खो जाती है, देखिए मैंने पकड़ के ले, वी आर बैक, एम आर एफ। कहना है एक हजारों में मेरी बहना है, तुम्हें संग रहना है, तू मेरा सचरा ये सचरा तुम्हारा। उस तरफ का सूरज बहुत अच्छा आ रहा है, बट उस तरफ से हवा चल रही है, सी उसी तरफ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा इवेंट खत्म हो गया है, एंड जो 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 बैच जा रहा है, ओह गॉड, इट गॉट सो इमोशनल इन द एंड द इवेंट, बट या हम लोग भी ऐसे चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर, और मेरे को एकदम से हिट किया, एंड आई ऑल्सो क्राइड, एवरी वन क्राइड। सो या आई मीन नो मैटर, यू नो, आप कितना भी बुरा बोलो भला बोलो अपने कॉलेज को स्कूल को, व्हेन यू लीव यू डू यू रियलाइज दैट यू विल मिस इट। मुझे अपने रायन की, मुझे अपनी रायन की फेयरवेल याद आ रही है, आई विल टॉक टू यू अभी घर पहुंच के, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। आई एम बैक, और मैं फ़ोन कैसे रखूँ, इधर मेरी वो चेयर है जो कि सबके घर में होती है, और जहाँ पे फालतू के कपड़े सारे चेयर पे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, हम लोग बस प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं कि वो तय करके अलमारी में कब रखे जाएंगे। और ये मेरी टेबल है जिसमें बहुत सारा फालतू का सामान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
मैं अपना फोन कर रखा, आई एम सो सॉरी फॉर द मेस, बट या इट वॉज अ ग्रेट डे एंड आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। वन मोर ईयर टू गो एंड बहुत जल्दी निकलने वाला है ये साल। अभी भाई 9 महीने निकल गए एंड एकदम ऐसे ही रैंडम, एकदम ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला। सो आई लेट मी, और ये जो मेरा टॉप है देखो, इसमें ये कलर लग गया पता है क्यों, क्योंकि एक मेरा ग्रीन कलर का नया सूट है उसके साथ मैंने इसे धो दिया था। भाई मुझे, मैं हंस रही हूँ और ये सब करके, बट एनी वे ओ गॉड, एनी वे आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज डू सो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ये मैं बहुत टाइम के बाद बोल रही हूँ ना किसी वीडियो में, येस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू गाइज, एंड इट्स बिन 1 साल हो गया है, हाँ 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है जब से आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब का जर्नी एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 1.06 लैक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सपोर्टिंग माई वीडियोज, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ माइन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू एवरीथिंग दैट लिव्स, बाय।